हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉय टेक। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं आपके लिए जो प्रोडक्ट है वो है बाउंसर 12-in-1। ये बसिन ब्रांड का है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, म्यूजिकल प्रोडक्ट है, न्यू बॉर्न के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यदि आप न्यू बॉर्न के लिए गिफ्ट देख रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आप इसको इजीली दे सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड इसको बनाते हैं, अलग अलग प्राइस रेंज के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले हम इसकी डिटेल चेक कर लेता हूं। मैं आपको जो डिटेल देना चाहूँगा इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या क्या इसमें मल्टी फंक्शंस कैसे है ये, तो आप ये देख पा रहे हैं जैसे स्क्रीन पे। सबसे पहले ये बनता है फीडर, जैसे बच्चों फीड से बॉटल फीड से जब मिल्क लेता है तो इस पोजीशन में उनको लेटाना सबसे अच्छा माना जाता है ताकि उसका फेस ऊपर रहे और ये लेटा लेटा दूध पी भी सकता है। ये बैठने वाली पोजीशन है, प्रॉपर लेटे हुए पोजीशन नहीं होती है, इससे बच्चे को दूध पचाने में आसानी रहती है। दूसरा प्रोडक्ट है ये कैरी, इसको कैरी किया जा सकता है। जैसे बच्चा ये सो रहा है, इसको आराम से ऊपर हैंडल दिया है, इसको कैरी किया जा सकता है। मैं इसको आपको डेमो भी इसका बना के दूंगा ये कैसे फंक्शन यूज़ करता है। पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये बनता है बेबी सीट। अब जो हैंडल ऊपर आप देख रहे थे वो हैंडल अब नीचे चला गया है, इससे बच्चा आराम से यहाँ बैठ सकता है, इधर उधर देख सकता है। उसको नीचे कुशंस बहुत अच्छे लगे हुए हैं और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये बन सकता है कार सीट। कार सीट में जो नॉर्मल हमारी कार की बेल्ट्स होती हैं उन बेल्ट से हम इस प्रोडक्ट को लॉक कर देंगे और बच्चे के लिए अलग से बेल्ट्स इसके अंदर दी गई हैं, बच्चा उसमें लॉक हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट में कार सीट की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद आती है स्टोरेज। इसमें जो स्टोरेज का फंक्शन है वो बहुत कम प्रोडक्ट्स में आता है, इस प्रोडक्ट में नया आया ये अपडेट वर्जन है इनका, तो इसमें ये स्टोरेज का फंक्शन पीछे दिया गया है। बच्चे का पैम्पर्स, बॉटल्स, पाउडर, छोटा सा स्पेस इसमें दिया गया है एक पीछे। और उसके जो अच्छा एडोन फंक्शन किया है इसमें वो है म्यूजिक, वो किसी भी और प्रोडक्ट में नहीं आता है, अभी तक इसमें आना स्टार्ट हुआ है। अब इसमें बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट है ये, इसमें म्यूजिक यूज़ हो सकता है, लाइव म्यूजिक रहेगा। यहाँ पर छोटा सा इनको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब ये देखिए नीचे की तरफ आप देख सकते हैं रॉकिंग। अब ये हैंडल पहले हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया था नीचे की तरफ, ये देखिए अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इसको ऊपर की तरफ, लेकिन ये जो इसके नीचे का जो डाया है वो मूव करेगा तो वो रॉकिंग होता रहेगा। अब उसके बाद आता है बाथिंग। हम ये कपड़ा इसका उतार देंगे सारा, जो इसकी शीट कवर्स हैं वो सब उतार देंगे तो नीचे से प्लास्टिक का हो जाएगा, तो उसके नीचे भी एक इन्होंने प्लास्टिक की सीट दी हुई है जिससे बच्चा फिसले ना, तो ये बाथर का काम कर देता है। उसके बाद आता है स्विंग। अब ये देखिए स्विंग, स्विंग कैसे काम करता है, इसमें इसकी अटैचमेंट साथ में दी गई है, इसमें रस्सियां साथ में हैं, इसके रस्सी दी हुई है जो इसकी अटैचमेंट्स को यहाँ से हमने लगाने के बाद ये झूले की तरह भी काम करेगा। उसके बाद आता है मॉस्किटो हमें कैरी करके ले जा सकते हैं कहीं भी, तो उसको सुलाना हो या सो रहा हो बच्चा, तो ये ऊपर से आगे से नेट लगाया जा सकता है, मॉस्किटो नेट इसके साथ दिया हुआ है अटैचमेंट्स। उसके बाद आता है कैरी इन प्रैम। अब इन्होंने कंपनी जो दावा कर रही है वो है कि कैरी इन प्रैम, तो ये किसी भी प्रैम के अंदर ये ऐसे हम जो बच्चे को लेके जाते हैं वो सेम उसको उठा के ये कैरी कोट वहाँ रखा जा सकता है। और 12वां जो इसका मेन फंक्शन है, सबसे अच्छा फंक्शन जो मैं मानता हूँ वो है बाउंसर। इसके नीचे एक रोड दी गई है स्प्रिंग की तरह, वो रोड में बच्चे को यदि हम इसके ऊपर बिठा देते हैं उसका वजन बाउंस करता रहता है। तो आपको मैं प्रैक्टिकली इसको दिखाता हूँ, आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा। और ये बाउंसर की तरह यूज होता रहता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती है। अभी देखिए इसमें ये जो मैंने रस्सियाँ बताई थी इसमें रस्सी है और साथ में ये नेट निकली है इसके, और एक ये टैडी है बड़ा खूबसूरत सा, आप देख सकते हैं इसके साथ बंधा हुआ है इस तरह से, और एक ये रोड है। एक एक करके हम यूज़ करके दिखाएंगे। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है था वो था फीडर, तो बच्चे को फीड कैसे करवाना है वो बताया गया फंक्शन है, तो वो इस तरह से था। हम यहाँ से इसका लॉक थोड़ा सा खोल भी सकते हैं, तो ये टाइट होता है जैसे ये यहाँ से लूज़ हो जाएगा, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। इसमें लॉक होता है तभी ये आवाज़ इस तरह से आती है, नहीं तो ये फिसलने का डर रहेगा। तो ये लॉक है, प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स ध्यान दिए गए हैं, तो इस वजह से ये ऐसे होता है। मैं इसको थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ यहाँ से, ये
मैंने लॉक कर हैंडल हमारे उठाने के लिए दिया गया है। बच्चे को जो फीड करवाना है तो आप इस तरह से लेटा सकते हैं बेबी को, तो आराम से बच्चा ये दूध यहाँ पे आप उसको फीड करवा सकते हैं। ये पहला इसका फंक्शन था। उसके बाद आता है कैरी, बच्चों को कैरी कैसे करना है? तो इसको हम उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा लूज करके बिल्कुल सेंटर में रखिए आप इसको, ये दोनों तरफ से लूज हो सकता है लोग। अब ये देखिए मैंने इसको टाइट कर दिया इस तरह से। अब बेबी जिस पोजीशन में सो रहा है तो ये गिरेगा नहीं, आप इस पोजीशन में इसको ले जा सकते हैं, इसको आराम से इस तरह से देखिए मैंने इसको उठाया है, तो ये बैलेंस के साथ इसमें लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि बच्चे किस पोजीशन में। इसको बेड्स आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से इसकी अटैचमेंट खोली और ये इसके बेड्स को मैंने यहाँ लगा दिया, और आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको टाइट कर सकते हैं। मैंने अभी इसको टाइट नहीं किया है, इस तरह से मैंने सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज़ से ही बनाया गया है। देखिए बच्चा यहाँ से गिरेगा नहीं, ये प्रॉपर ये बेल्ट यूज़ हो गई है, आगे नहीं गिर सकता, ये बंधा हुआ है प्रॉपर, इसमें बच्चा गिरने का डर नहीं है। तो आप ये देखिए ऐसे मैं इसको कैरी कर सकता हूँ इजली, यहाँ से पकड़ के। कैरिंग के बाद स्टार्ट करते हैं बेबी, थोड़ा सा इसे लूज़ कीजिए दोनों तरफ से। लूज़ करने के बाद इसको आप पीछे ले जाइए, इस तरह से पीछे आप ले जाके इस तरह से आप रख सकते हैं। अब ये जो पोजीशन है ये देखिए, अब जो ये पोजीशन देख रहे हैं ये बेबी सीट की पोजीशन है। अब इसको यहाँ पे आप टाइट कर दीजिए। अब ये देखिए, अब ये बेबी सीट में आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको टाइट करेंगे तब ये नीचे नहीं जाएगा, यदि ये लूज रखेंगे तो ये नीचे जाने का इसका खतरा बना रहता है, लेकिन हमें बेबी सीट की तरह यूज़ करना है तो ये बच्चा इसमें आराम से बैठ सकता है, इसमें ये काफ़ी इजी रहेगा उसके लिए। जो अगला फंक्शन है दोस्तों वो है इसका स्विंग का, स्विंग फंक्शन इसमें इस तरह से यूज होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये दो हुक हैं, ऊपर किसी भी अटैचमेंट से आप छत पे लगा सकते हैं या कहीं पीछे गैलरी में लगा सकते हैं। देखिए ये इसके हुक्स हैं, चारों तरह से मैं इसको लगा देता हूँ। वो लगाने कहाँ है ये देखिए, इसमें यहाँ पर अटैचमेंट्स दी गई है, थोड़ा सा कपड़ा हटाएंगे तो आपको ये दिख जाएगी, इसमें निकलने के चांस नहीं है, आपको सेफ्टी फीचर ध्यान दिया गया। ये हुक किस तरह से बनाई गई है, प्रॉपर इसमें निकलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ये देखिए हम इसको हुक को लगा देते हैं और इसके बाद ये चारों हुक इंस्टॉल कर देता हूँ। अब इस ये कम्प्लीट हुआ, अब ये आप देख सकते हैं, अब ये देखिए जो मैंने चारों इसमें लगा दिए, ये एक आगे चारों पीछे अलग से, ये देखिए इस तरह से बच्चा इसमें झूल सकता है, जबकि मैंने इसको हाथ पे पकड़ा हुआ है, अभी मैंने इसको कुछ कहीं अटैच नहीं किया। ये देखिए इस तरह से ये आराम से झूल सकता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसकी वायर अच्छी है, वायर की क्वालिटी अच्छी है, आप इसको आराम से देख सकते हैं किस तरह से झूलता है। अब ये इसका बाथर बनाने वाले हैं, अगला फंक्शन है इसका बाथर का। यहाँ से इसको ये कपड़ा, इसका क्लोथ जो है मटेरियल सीट, वो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से एक अटैचमेंट्स दी गई है, ये देखिए ये प्रॉपर ये अटैचमेंट्स है, ये आपने रिमूव करनी है यहाँ से ये। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से यहाँ रबर इलास्टिक दिया हुआ है, मैंने चारों तरफ से ये रिमूव कर दिया, ये अटैचमेंट्स ये भी हटा दिए मैंने और एक ये अटैचमेंट्स भी हटा दिए। अब ये देखिए ये शेप बाहर आ चुकी है, अब ये एज ए बाथर आप यूज़ कर सकते हैं। ये शीट देखिए इसको वॉशेबल है, आप अपनी मशीन में वॉश कर सकते हैं, गंदा होने के बाद इसको आराम से यूज़ किया जा सकता है। अब ये बाथर इस तरह से यूज़ हो जाएगा, और एक इसमें और फंक्शन जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेबी सीटर में यूज़ किया था, इसको हम पीछे करके ऐसे बेबी बाथर बनेगा। ये 12 इन प्रोडक्ट है, 12 इन वन प्रोडक्ट है, और इसमें बाथर बनना और नेट का वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं, टैडी सेंटर में इसको लगाते हैं, और जो इसका ये शैडो दिया गया है लगा के क्लोथ को, ये क्लोथ लग गया है। अब ये देखिए इसमें एक इलास्टिक दिया गया है जो यहाँ पे इसमें अटैच होगा, क्लियर, और ये यहाँ पे इसके साइज़ का ही ये बना हुआ है। मैं दोनों तरफ से इसका जो इलास्टिक है वो प्रॉपर इसमें सोल्व कर देता हूँ, ये इस तरह से लेके और ये देखिए ये हमने मॉस्किटो नेट लगा दिया है यहाँ पे, ये देखिए
ये देखिए, ये यहाँ से भी प्रॉपर कवर हो जाता है, यहाँ मच्छर जाने की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म है और बेबी आराम से ये कैरी इन प्रैम। अब प्रैम हमारे पास इस टाइम नहीं है तो मैं आपको दिखा देता कि इसको प्रैम में कैसे यूज़ करते हैं। प्रैम में यूज़ करने का इसका सिंपल सा वे है, आप ऐसे इसको उठाइए और प्रैम की सीट पे इसको रख दीजिए। ये कंपनी ने बताया गया है यही इसका फंक्शन है, इसी तरह इसको यूज़ करना है, उसके ऊपर इसको उठाना है और सीधा उसके ऊपर प्रैम के ऊपर रख देना, तो वो आएगा प्रैम के साथ यूज़ हो जाएगा वो प्रोडक्ट। और अब आता है बारी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, वो है बाउंसर। ये बाउंसर कैसे बनता है, ये इसमें जो रोड दी गई थी आपको, मैंने पहले दिखाया था ये रोड, इसकी अटैचमेंट्स अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इसकी अटैचमेंट्स आपको इसके साथ करनी है, उसके बाद ये रोड इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो रोड इंस्टॉल कैसे करनी है। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसके अंदर ये प्रोडक्ट जाएगा इस तरह से, आप ये देख रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से लगाएंगे, ये लग गया इधर से। अब मैं दूसरे पार्ट को इधर से लगाता हूँ, आप इसको थोड़ा सा और अंदर कर सकते हैं, मैंने एक आपको करके दिखाया है जस्ट ये किस तरह से यूज़ होता है, आई थिंक ये मेरे कैमरे में अभी। आप ये देखिए काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है और ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें ये रोड है, स्प्रिंग की तरह काम आती है, इसी तरह ऐसे ऐसे मूव होता रहता है। ये देखिए मैं थोड़ा सा हिलाता हूँ तो बच्चा अपने आप मूव करता रहेगा, इसमें वेट नहीं है टैडी में ना, इस वजह से शायद ये अभी वेट इसमें नहीं है, लेकिन ये इजीली मूव हो रहा है। ये देखिए जैसे इसमें थोड़ा सा वेट आ जाएगा तो ये मूव होता रहेगा, और ये वायर अच्छी है, काफ़ी मजबूत वायर दी गई है, एक तरह से स्टील रोड है ये। और मैं इसका म्यूजिक भी ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है 12 in 1। अभी सारे फंक्शन हमने इसके यूज़ करके देख लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपको पसंद आए ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।